आई इंडिया पर कमलापुर थाना क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पिता की मौत का सदमा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कुछ घंटे बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैसे उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की, क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह के पास। तो सत्यप्रकाश जी, बताइए कि क्या पूरा मामला है और कैसे दुखद घटना घटी। जी, आपको बता दें, थाना कमलापुर के चौकी मास्टर वार्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम झसौवा में उमा शंकर उम्र 55 वर्ष, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और श्वास के मरीज थे, उनका आज सुबह करीब 6 बजे निधन हो गया। उमा शंकर के एक लड़का और 6 लड़कियां हैं। उमा शंकर का लड़का उनको उमा शंकर को चारपाई से मृत अवस्था में उतार करके नीचे जमीन पर लिटा दिया और घर से रस्सी लेकर भागा। उसके पीछे एक लड़का छोटा और भागा, लेकिन वो छोटे बच्चे को धक्का देकर और निकल गया। परिजन इधर उमा शंकर की मौत के साथ साथ अपने लड़के को ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते जब करीब 12 बजे बचैला बाग, जो गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, वहां नीम के पेड़ में ऊंचे चढ़कर जो उमा शंकर का लड़का पंकज था 13 वर्षीय, इसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी बताइए कि सत्यप्रकाश की जब उनके पिता की मृत्यु, उसके कितने घंटे बाद ये घटना हुई, कब उसने फांसी लगाई, कितनी देर बाद? पिता की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और पिता को मृत अवस्था में चारपाई से उतार करके नीचे लिटाया और रस्सी लेकर के घर से तुरंत निकला और उसके पीछे एक छोटा बच्चा और निकला, जिसे उसने धक्का देकर गिरा दिया और वो भाग गया। और भाग करके जा करके गांव के बाहर एक बचैला नाम से बाग है, उसमें नीम के पेड़ पर चढ़कर उसने फांसी लगा ली। तो परिजन उसको ढूंढते रहे। करीब 12 बजे परिजनों ने देखा कि वो उसका शव नीम के पेड़ से लटक रहा है। तब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कमलापुर SHO राजकरण शर्मा व चौकी प्रभारी शिव बहादुर सिंह ने शव को नीचे उतरवाया और अग्रिम कार्रवाई करके उसे PM के लिए सीतापुर भिजवा दिया। जी अच्छा, उसकी माँ ने क्या नहीं देखा था उसको भागते हुए? जो पंकज है, उसकी माँ और उमा शंकर की जो पत्नी थी, उन्होंने ही भागते हुए देखा था अपने बेटे को? नहीं देखा, लेकिन वो उस वक्त इतना ज्यादा सदमे में थी, वो समझ नहीं पाई कि ये कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। वो उससे उस घटना से कतई वाकिफ नहीं थी कि ये भी कोई ऐसी घटना कर लेगा। और सूचना मौके पर यह है कि ये जो उमा शंकर थे, इनके एक ही लड़का था पंकज जी, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी और उमा शंकर की 6 लड़कियां थी, जिनमें सबसे बड़ी आरती, दूसरे नंबर की लड़की पूजा जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी 4 लड़कियां अभी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनमें छाया उम्र 18 वर्ष, वंदना उम्र 14 वर्ष और राजकुमारी उम्र 11 वर्ष और मीरा उम्र 10 वर्ष। जी तो ये दुखद घटना कमलापुर थाना क्षेत्र की मास्टर बाग चौकी अंतर्गत जो है, उमा शंकर जो झरसौवा गांव के निवासी थे, श्वास के मरीज थे और आज भैया दूज वाले दिन सुबह 6 बजे उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के चलते और उनका जो शव है और उसका जो 13 वर्षीय बेटा है, अभी नाबालिग है, उसने खटिया से नीचे उतार कर रखा और इस इतना गहरा सदमा लगा कि उसने भी जाके जो बचैला बाग है 200 मीटर पर, वहां से नीम के पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। तो ये बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। भैया दूज वाले दिन इकलौता चिराग घर का उमा शंकर, पिता पुत्र दोनों की मौत एक हो जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।